इलियाना डिक्रूज बनी देश की सबसे बड़ी सनसनी साल इंटरनेट पर, लेकिन कैसे? कपिल शर्मा के अभी अच्छे दिन नहीं आए हैं। एक समय था जब वो टीवी से लेकर बड़े पर्दे पर हिट थे, सुपरस्टार्स की जमात में शामिल थे, लेकिन सबसे ज्यादा ऊपर नाम उनका था। सेहत बिगड़ी और शो गया तो अब तक संघर्ष कर रहे हैं। पिछले साल मोस्ट सेंसेशनल सेलिब्रिटीज की लिस्ट में वो थे, लेकिन इस बार इलियाना डिक्रूज ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। दरअसल मोस्ट सेंसेशनल सेलिब्रिटी सर्वे बाय मैकफे के 12वें एडिशन का ऐलान हुआ है, जिसमें इलियाना डिक्रूज नंबर 1 पर है। पिछली बार ये जगह कपिल शर्मा के नाम पे थी। आपको बता दें कि इस सर्वे में उन लोगों को ध्यान में रखा जाता है जिनके नामों को हैकर्स इसलिए इंटरनेट पर इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग गलत कारणों के लिए बनाई गई वेबसाइट की तरफ आकर्षित हो सके। हैकर्स की तरफ से इस बार जिस नाम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ वो ग्लैमर गर्ल इलियाना रही। उनके बाद प्रियंका चोपड़ा दूसरे नंबर पर, फिर दीपिका तीसरे पर, और इस लिस्ट में प्रीति जिंटा, तब्बू, कृति सेनन, अक्षय कुमार, ऋषि कपूर, परिणीति चोपड़ा और गोविंदा का नाम भी शामिल है। मैकफे के 11वें संस्करण में सलमान नंबर 2 पर थे, आमिर नंबर 3 पर, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का, सनी लियोन, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर के नाम भी थे। दरअसल होता ऐसे है कि इंटरनेट के इस बूम के दौर में फैंस अपने स्टार के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं और इस बात का ध्यान नहीं रखते कि वो जिसके बारे में सर्च कर रहे हैं वो जगह सुरक्षित है या नहीं। इसी कारण हैकर्स फायदा उठाते हैं और नेटिजंस के लिए कुछ ऐसे लिंक्स भेजते हैं जिसके जाल में फंसकर लोग अक्सर उन साइट पर सर्फिंग शुरू कर देते हैं। इसका फायदा उठाकर बाद में लोगों के कंप्यूटर और मोबाइल से डाटा छुड़ाया जाता है और लाखों की शपथ भी लग जाती है। तो इलियाना डिक्रूज का चेहरा ढूंढने वालों को ये एक वार्निंग है, अगर आप ऐसा सेंसेशनल चेहरा बार बार ढूंढ रहे हैं तो यू कैन बी ट्रैप्ड ऑन इंटरनेट।